आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रखंड ठाकुर गंगटी पंचायत चपरी ग्राम खुरपट्टी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीद श्रवण उरांव स्मारक पर भूतपूर्व सैनिक बलवंत सिंह एवं अशोक सिंह साथ में श्रवण उरांव की पत्नी निर्मला देवी संयुक्त रूप से स्मारक पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर शहीद श्रवण उरांव के घर में मिट्टी और चावल। श्रवण उरांव की पत्नी निर्मला देवी मिट्टी देते वक्त भावुक हो गए। अशोक सिंह के द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया गया। जब पर्ल्स न्यूज 24 ने मीडिया राजकुमार किशोर से शहीद की पत्नी निर्मला देवी से रूबरू हुए तो नम आंखों से बताया कि मेरे पति भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए खुशी और गम दोनों हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता के लिए शहीद सुपूतों के लिए उनकी याद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत खुरीपट्टी गांव में हर घर में मिट्टी लेकर शहीद श्रवण उरांव अमर रहे जयकारों से गूंजता रहा। देश के लिए मर मिटने वाला शहीद श्रवण उरांव स्मारक में गलत फोटो लगा हुआ है। उरांव की पत्नी निर्मला देवी ने बताया कि सरकार से आग्रह है शहीद स्मारक में श्रवण उरांव का फोटो लगाया जाए। खुरपट्टी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में खुरपट्टी के ग्रामीणों ने अपने अपने घर से मिट्टी दिए। आज शहीदों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। इस कार्यक्रम में रविंद्र महतो स्कंदर इक्का और काफी लोग मौजूद थे। इस वक्त जो मेरी मिट्टी मेरा देश का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी धर्मपत्नी श्रवण कुमार की पत्नी धर्मपत्नी अपनी मिट्टी और दे के पूरे देश का गर्व को मान को बढ़ाया है। आज सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं प्रखंड ठाकुर गंगटी के अंतर्गत जो कुरपट्टी उरांव टोला में जो है धर्मपत्नी श्रवण कुमार उरांव के जो देश के लिए शहीद हुए थे उसका आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं। उसके घर से मिट्टी लिया जा रहा है कि जो ऐसे वीर सपूत जो प्रखंड ठाकुर गंगटी के यहाँ जन्म लिए थे और पूरे देश के लिए अपने मिट्टी में मिला दिया गया और आज उसी मिट्टी को आज पूरे देश के लोगों ने नमन के लिए उनके घर तक पहुँचे हुए हैं। क्या सर, आज पूरे देश में श्रवण कुमार का जो मेरी मिट्टी मेरी देश का जो मिट्टी है उसके घर तक आप लोग पहुंचे हैं, इस पर आपको क्या करना है? जो पूरे शहीद हुए हैं श्रवण कुमार पूरे देश के लिए, सबसे पहले मैं शहीद हुए श्रवण कुमार उरांव को कोटि कोटि नमन करता हूं और आज उनके यहां पर उनके आवास पर मैं आया हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा मेरी माटी मेरा देश का जो अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है उसी के तहत मैं यहाँ पर कुरपट्टी ग्राम में पहुँचा हूँ और यह कार्यक्रम वीर सपूतों के लिए है जो जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने को बलिदान दिया। उनके सम्मान में यह मिट्टी उनके स्मारक में रखी जाएगी। इस निमित्त मैं आज मेरी माटी मेरा देश के घर घर पहुंचकर इस कार्यक्रम को मैं कर रहा हूं। जी मैं उन लोगों से जरा मिलते हैं कि जो पूरे देश में सेवा में रहे, उनके भाई भी थे, उनके साथे सेना में रहे, उनके साथ जो उनकी देश के लिए बलिदान दिए उन साथियों से मैं मिलना चाहेंगे जो मेरे सिख सामने बलवंत सिंह जी मेरे सामने हैं। मैं पल्स न्यूज 24 में सर आपके स्वागत है, इस पर क्या कहेंगे? समस्त ग्रामवासियों और अमर शहीद की पत्नी को सादर सम्मान के साथ, इनकी माता को सस्नेह चरण वंदन के साथ और इस यहाँ के तमाम युवाओं को उसकी वीरता भरी जीवन की कहानी तो उन्हें पता ही है और इन वीरों का भी मैं हार्दिक सम्मान करता हूँ, यहाँ के नौजवानों का भी, माता पिता और समूचे ग्रामवासियों का। यह प्रधानमंत्री जी के ओर से एक सम्मान का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो अमर शहीदों को एक बेहतर, उनके परिवार बच्चे और उनके घर की माटी को उन्होंने वहाँ पर ले जाने का मौका दिया है। वतन के लिए हर सैनिक के लिए गौरव की बात होती है, हर सैनिक अपने आप में शहीद होने के लिए तैयार रहता है, लेकिन एक मेरा भाई श्रवण कुमार श्रवण उरांव जो दुश्मन से लड़ते लड़ते अपने आप को वीर गति को प्राप्त किया, आज उसके घर पर हम लोग
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान शहीदों को दिया, यह हम लोगों के लिए गौरव और सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने यह कार्यक्रम को दिया है और इनके घर की माटी आज हम लोग स्नेहपूर्वक हृदय से लगा करके दिल्ली भेज रहे हैं। धन्यवाद। आज मेरी मिट्टी माटी देते हुए आज आपके पति के जो आपने सम्मान दे रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना और कैसी आपको आज महसूस हो रहा है अपने पति का जो बलिदान दिए हैं देश के लिए? आज महसूस हो रहा है कि आज देश के लिए चले गए। हम बोल रहे हैं उसका मूर्ति यहाँ उसका फेस अब लगना चाहिए। और आपको ये कहना है कि जो बलिदान दिए थे श्रवण कुमार के वार का कुमार श्रवण कुमार उरांव का जो फोटो स्टेचर लगा हुआ है उसको दूसरे का मूर्ति लगा हुआ इसलिए उसको जो श्रवण कुमार का जो मूर्ति है उसको लगाया जाए उसको हटा के सही फेस लगाए जाएंगे। तो आपको इस पर क्या कहना है कि आपके पति की कितनी गौरव आप सम्मानित देख रहे हैं कि कितनी गौरव हो रहा है कि आपके पति के सम्मान में लोग दिल्ली से लोग भी वहाँ मिट्टी लेकर दिल्ली जा रहे हैं और आपके सम्मान में राजघाट में उसके समाधि में दिया जाएगा, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? आप उसकी अर्धांगिनी हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा गर्व आप महसूस कर रहे हैं? आप दुखी हैं कि आप अत्यंत खुशी से महसूस कर रहे हैं कि पूरे देश के लिए मेरे पति? दुख भी है और खुशी भी है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।